रियल एस्टेट की दुनिया में जब भी कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कौन सी चंद चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनजर रखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेडली हाई हो सकती है। वो पांच चीज़ें कौन सी है? नंबर वन इसके व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर टू हु इज द डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर थ्री व्हाट इज द एनओसी स्टेटस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज, जो नियर बाय अथॉरिटीज पड़ती हैं उसके नज़दीक उसका एनओसी स्टेटस क्या है, नंबर फोर वहाँ पे लैंड की सिचुएशन क्या है, लैंड प्रोक्योर्ड है या नहीं है, एंड नंबर फाइव कि वहाँ पे प्राइसेस क्या ऑफर की जा रही हैं। अब इनमें सबसे जो की पॉइंट है, मैं सबसे पहले इस सोसाइटी को, इस वीडियो को मद्देनजर करूँगा स्पेशली विद द न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से कि इसमें पांच पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप डिस्कस करना चाहें तो आपके पॉइंट्स को वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिलायबल है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अगर हम लोकेशन की बात करें तो रवात टी चौक से अगर बात करें तो 28 किलोमीटर से फासले पे है, और गुजर खान सिटी से अगर बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे, यानी गुजर खान से 5 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स लाहौर अगर आप जाएं तो ये सोसाइटी की लोकेशन वाकई है। नंबर वन। नंबर टू इसमें आता है डेवलपर, कि इसमें डेवलपर कौन है, इस प्रोजेक्ट को जो ओन कर रहे हैं जिसकी जेबों में आपके पैसे जाएंगे वो एंटिटी कौन सी है। तो इस प्रोजेक्ट कौन कर रहे हैं? BSM डेवलपर्स, यानी बिलास स्टील मिल्स डेवलपर। मैं हिस्ट्री में अगर जाऊँ बिलास स्टील मिल्स की, तो बिलास स्टील मिल पाकिस्तान का सेकंड सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर है इन टर्म्स ऑफ स्टील मिल्स। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेशो काउंट की जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टॉक एक्सचेंज में होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिलास स्टील मिल्स का एक बहुत बड़ा नाम है उस लिहाज से अगर देखा जाए। जहाँ तक ग्लास स्टील में BSM डेवलपर्स के प्रोजेक्ट की बात है, तो BSM डेवलपर्स ने पास्ट में दो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, एक जो ग्वादर में डिलीवर किया प्रोजेक्ट और दूसरा जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के नाम से डिलीवर, न्यू मेट्रो सिटी खारिया के नाम से ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो ये हो गए दो जो पास्ट हो गया डेवलपर का, किसी भी देखें पास्ट के लिहाज से कि उस डेवलपर का पास्ट मैटर करता है कि पास्ट में उसने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। ये तो मेन बातें इस डेवलपर की होगी। अब तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस डेवलपर का लिंक विद द मलिक फैमिली, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े मायानाज जो प्रोजेक्ट अगर कहा जाए पाकिस्तान में तो वो है बैरियर टाउन। बैरियर टाउन से बड़े या से वेल एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में अभी तक एशिया के सबसे बड़े डेवलपर का नाम है मलिक रियाज, तो उनके ये निवासी हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मलिक फैमिली के साथ इनका लिंक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसकी वैल्यू नहीं रहती। अब कोई प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है, ये डेवलपर के लिहाज से अगर मैं थर्ड पॉइंट पे कंटिन्यू करता हूँ, इसमें कोई भी सोसाइटी जब लॉन्च होती है सबसे पहले जो सवाल किया जाता है कस्टमर की तरफ से वो किया जाता है क्या इस प्रोजेक्ट के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC मौजूद है फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। कभी आपने DHA बैरिया के हवाले से NOC का इशू नहीं सुना होगा। द रीज़न इज़ कि उन्होंने पास्ट में पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल में ज़मीन पर डिलीवर करके दिखाया है। ऐसा नहीं किया कि बस ऑब्जेक्शन ली उन्होंने नाम लिया जी बैरियर टाउन का नाम बन गया रातों रात, या DHA का नाम बन गया रातों रात, या कहीं और भी प्रोजेक्ट्स होंगे पाकिस्तान में कि जिनका रातों रात नाम बन जाए, ऐसा नहीं होता। NOC के लिए मैटर करता है कि पास प्रोजेक्ट जो डेवलपर का है या उस डेवलपर का जिस फैमिली से लिंक है उस लिहाज से क्या मामला हैं। ऑन ग्राउंड देखा जाए तो बैरियर टाउन के बारे में कभी भी मैंने कोई किसी क्लाइंट ने देखा है पूछते हुए कि इनके पास NOC मौजूद है या नहीं है। सेकंडली कभी आपने DHA के हवाले से सुना होगा। सेम गोज फॉर दिस के न्यू मेट्रो सिटी जो है वो मलिक रियाज का अपना जाती उनके निवासी का प्रोजेक्ट है। तो इसके हवाले से जो मेरे पास सबसे कम क्वेश्चन आए हैं जब मैंने प्रोजेक्ट सेल स्टार्ट की थी, इनिशियली हमारे पास प्राइसेस के, लोकेशन के, डेवलपर के इस तरह क्वेश्चन आते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम NOC का क्वेश्चन जो है जो मार्केट में एक बहुत बड़ी मोनोपोली के तहत बहुत सी ऑपोजिट फोर्सेज हैं जिन्होंने बहुत ट्राई की मार्केट में कि नाम मैनिपुलेट किया जाए कि इनके पास NOC नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, सो फार एंड सो ऑन, इस तरह की बातें की मार्केट में। लेकिन NOC की रियलिटी है किसी को आज तक, मेरे किसी क्लाइंट को आज तक NOC का पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका डायरेक्टली लिंक जो है वो मलिक फैमिली के साथ है जिन्होंने पास्ट में पाकिस्तान में 30 सालों में बैरियर टाउन के नाम से एक ब्रांड डेवलप करके दिखाया है। अब फोर्थ पॉइंट्स में आता है कि इसमें प्राइसेस की ऑफर की जा रही हैं। प्राइसेस में सबसे पहले जी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें 5 मरला का प्रोडक्ट है, 7 मरला का प्रोडक्ट है, 10 मरला का है और कनाल का प्रोडक्ट है। ये इनिशियली फर्स्ट फेज में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई थी, इसमें 5 मरला का जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 19,90,000, जिसकी 4,50,000 रुपये डाउन पेमेंट है। अगर हम बात करें 7 मरला के प्रोडक्ट की, तो 7 मरला की कीमत है 27,90,000 और जिसकी डाउन पेमेंट जो बनती है वो बनती है 5,50,000 रुपये, और इसका 10 मरला की डाउन पेमेंट बनती है आपकी 7,50,000 रुपये और कनाल की डाउन पेमेंट जो बनती है 10,50,000 रुपये। ये इनिशियली फर्स्ट फेज में लॉन्च किए गए थे। अब दो प्रोडक्ट जो मजीद एंटर किए जा रहे हैं इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में लॉन्च किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उनमें 8 मरला रेजिडेंशियल और एक उसके अलावा 14 मरला रेजिडेंशियल। एक्सपेक्टेडली 8 मरला रेजिडेंशियल की जो कॉस्ट होगी वो 7 मरला के करीब ही होगी डाउन पेमेंट, और जहाँ तक बात है 14 मरला के प्लॉट की, 40x80 के प्लॉट की, तो उसकी डाउन पेमेंट भी 10 मरला के आसपास होगी। बट ये प्रोडक्ट सोसाइटी की तरफ से डायरेक्टली किसी तरह से वो कमीशन या रिबेट पे तो लॉन्च नहीं किए जाएंगे, इनको डायरेक्टली एक्सपेक्टेडली मार्केट में डायरेक्टली ओन से स्टार्ट होंगे। तो जितने लोगों ने अब तक इन्वेस्ट किया न्यू मेट्रो सिटी में
उनकी मार्केट में भी काफी ज्यादा अच्छा इंसेंटिवाइज होने के चांसेस हैं। ये ओवरऑल मैंने जो पांच पॉइंट आपसे एक्सप्लेन किए हैं, सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया लोकेशन का, कि लोकेशन से कहाँ वाक्य है, नंबर टू के डेवलपर कौन है इसके, नंबर थ्री लोकेशन कहाँ पे है, और लोकेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ है एनओसी की, एनओसी के हवाले से न्यू मेट्रो सिटी का ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। बाय द वे न्यू मेट्रो सिटी की जो एनओसी ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है प्लानिंग परमिशन वन के लिए, और आने वाले चंद्रों में आपको एनओसी की खबर मिल जाएगी कि अप्रूव हो गई है। बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है इसके लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइंटेज को एनओसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उन प्रोजेक्ट्स में जरूर पड़ती है जरूरत जहाँ पे उस प्रोजेक्ट की पास्ट में रिलायबिलिटी नहीं होती, पास्ट में कुछ डिलीवर नहीं किया होता, तो वहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे चूंकि उन्होंने पास्ट में पाकिस्तान में अगर एक ही ब्रांड काउंट किया जाए, सबसे बड़ा ब्रांड है रियल एस्टेट के लिहाज से, तो उस ब्रांड का नाम है बैरिया टाउन, तो उस ब्रांड के साथ डायरेक्टली अफिलिएटेड है। इवन तो यहाँ तक हुआ था कि बैरिया स्टील में, बैरिया टाउन ने एक वक्त पे ऐलान किया था कि आज के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन होगी बैरिया टाउन में, वो वहाँ पे स्टील अगर यूज़ होगा तो बिलास स्टील मिल का यूज़ होगा। इतना क्लोज फैमिली कनेक्शन के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैरिया टाउन या इससे बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको किसी भी सोसाइटी में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बुकिंग के हवाले से मालूम चाहिए हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।